अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम मसला है जिसके बारे में अवाम नास, जो आम मुसलमान हैं, वो कभी कभी झगड़ लेते हैं, लेकिन इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है। वो मसला ये है कि क्या दाढ़ी मुंडा हुआ शख्स अगर अजान दे दे तो क्या उसकी अजान हो जाएगी? अजान का अयादा यानी अजान को क्या दोबारा से पढ़ा जाए? तो इस ये मसला ये है कि अगर उसने जो दाढ़ी मुंडा शख्स है वो है तो फासिक, क्योंकि एक सुन्नत, तमाम अंबिया की सुन्नत दाढ़ी है जिसका रखना ज़रूरी है, उसको वो कटा रहा है तो वो फासिक तो है। लेकिन अगर उसने अजान दे दी तो उस अजान के इरादा दोबारा से अजान नहीं लौटाई जाएगी। हाँ, मकरूह ज़रूर है, कराहत उसके अंदर रहेगी, लेकिन इसको इतना बड़ा बना लेना कि झगड़ा कर लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह देखा गया है कि झगड़ा करने लगते हैं लोग। प्यार से उसे समझा दो दाढ़ी का मसला, उसे समझा दो और अच्छी तरीके से उसे बताओ कि भाई दाढ़ी रखनी चाहिए, ये सुन्नत है, ये गुनाह है। लेकिन हमारा तरीका क्या है कि हम उस पर एतराज़ात उस पर करने लगते हैं और वो हमसे नफरत करने लगता है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। और मसला यही है कि उसकी अजान को दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा, नहीं लौटाया जाएगा, अजान हो जाएगी लेकिन कराहत उसके अंदर है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने भाइयों को, दोस्तों को शेयर भी करें और सवाब के आप मुस्तहिक बने।